हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका संगीता नायर चैनल पे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हो चुकी है मॉर्निंग, हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए और अनाया भी रेडी है। से गुड मॉर्निंग बच्चा, आर यू ओके? तो टीवी में इनका है दिमाग, इसलिए इनका जो है इधर की तरफ मोबाइल की तरफ रुझान नहीं है। क्यों अनाया? यस अनाया, क्या खाया आपने अभी? क्या खाया? क्या उसमें क्या खाया? खाने में क्या खाया? आलू की रसीली सब्जी। हाँ अनाया ने खाई आज आलू की रसीली सब्जी और रोटी। इन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी है कि कह रही टिफिन में भी मम्मा मैं यही ले जाऊँगी। तो अनाया टिफिन में भी यही ले जा रही है और फ्रूट्स अभी कोई नहीं खाया। अनाया का भी अंजीर खाना, जब ये जाएंगी तो लेंगी बॉक्स से स्कूल जाते वक्त। अनाया अभी टाइम हो रहा है आपका, ले लें बेटा। बाबू अंजीर निकाल लो अपना। सो थोड़ा थोड़ा पॉकेट जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वो अनाया खा लेती हैं सुबह। और आलमंड्स वगैरह तो नहीं पसंद करती, लेकिन अंजीर है, डेट्स है, ये अनाया को पसंद है, तो बॉक्स यहीं पे रख दिया है। जब मन करता है अनाया खा लेती है। अनाया को ज़्यादा कहना नहीं पड़ता है, अनाया को पसंद है ये सब चीज़ें। क्या हुआ, क्या हुआ इधर? भाई मैं निकाल दूँ क्या? क्या हुआ क्या? इधर आ जाओ, मैं ला दूँ। हाँ बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, आदत डालिए ये सब पढ़ने की, अपने आप लेने की। टीवी टीवी टीवी, सुबह इसलिए जल्दी उठती है कि टीवी देखने को मिलता है इसको। हो गया बंद, आ जाओ। ओ अंजीर पसंद है कि डेट्स पसंद है? अंजीर ओके। अभी बातें नहीं होंगी, सिर्फ इनकी टीवी टीवी चलती है। पता नहीं कौन कौन से इनके व्लॉग दिया ना, क्या देखती हूँ, नहीं सॉरी, क्या नाम है इसका बेटा? एडली, सॉरी भूल जाती। डियाना तो ये बचपन में ना छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी, तब ही देखती थी डियाना, उसकी तो फैन थी बिल्कुल ये। अभी एडली देखती हैं। सो मैं भी ऑलमोस्ट हो चुकी हूँ रेडी। और आज का मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुबह सुबह तो अच्छा है क्योंकि कल यहाँ पर भयंकर बारिश हुई थी, इसलिए आज मौसम यहाँ का ठीक है। तो चलिए मैं भी इनको शूज़ पहना देती हूँ, सॉक्स पहन के बैठी है ना। अनु भैया बस आने वाले हैं और निकलते हैं हम लोग स्कूल के लिए। अनाया ने डाल ली हैबिट्स अपनी थोड़े छोटे छोटे काम करने के, तो अनाया पहनी अपने आप शूज़, है ना। आ चुके हैं अनु भैया, बनाया जाएंगे स्कूल। अनाया क्या क्या लोगी, क्या ढूंढ रहे हो? ये नहीं बेटा, ये रख दे। हाँ तो इसको रख दे यहीं पे, बैग में लगा दो। बैग में अभी रहने दो ना आज, फिर अभी तक क्यों नहीं लगाया था फिर? चले अच्छा आ जाए, चले। बस अनाया निकलेंगी, उसके बाद मैं निकलूंगी, है ना। टाइम हो चुका है, अभी मैं निकाली गाड़ी। बहुत आराम से मैं खोलती हूँ, चली आई। हैव अ गुड डे बाबा। अनाया निकल गई अपने स्कूल के लिए और बस मेरा भी टाइम, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता इस समय। मैं अभी अपना बैग लूँगी, बैगल पहनूँगी और लिस्ट वॉच सब मेरा एक जगह पे रखा होता है। ढूंढना कुछ नहीं होता, रोज का अपना वही रूटीन है, बस एक जगह रखना और वही पहन लेना। डेली डेली का भाई हम लोग का यही रहता है। तो बस जल्दी से पहनूंगी, दुपट्टा डालूंगी और शूज़ आजकल नहीं पहनने हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हालांकि इस साल से मेरे साथ ये चेंजमेंट हुआ है कि मैं कभी भी सैंडल पहनना पसंद नहीं करती थी और शूज़ ही पहनती थी, चाहे इतनी भयंकर गर्मी हो। और इस बार हुआ भी क्या कि इस बार हस्बैंड ने एक सैंडल मुझे ला के दे दी, तो अभी एक दो बार पहना तो मुझे थोड़ा सही लगने लगा, तो मैं वही पहनने लगी। तो फिलहाल बस हो गया है निकलने का टाइम, हो चुकी है रेडी, चले चलते हैं स्कूल। चलिए बंद कर देते हैं लाइट्स वगैरह, हो गया है स्कूल जाने का टाइम।
पहुंच रही हूँ बस मैं अपने स्कूल। तो मैं पहुंच चुकी हूँ स्कूल और ब्लॉग बनेगा स्कूल के बाद में। सब हो गया छुट्टी का टाइम, चलिए चलते हैं घर। बहुत तेज धूप हो गई है। मैं आ चुकी हूँ घर, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अनाया गई है शावर लेने। अनाया आती है शावर लेके, फिर मैं अपने क्लॉथ चेंज करूँगी और आज बनेगा हलवा। अनाया बोली थी सुबह कि मम्मा मुझे हलवा खाना है, तो बस फेस वॉश करके थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में चले के चलते हैं किचन में और मारते हैं अनाया के लिए हलवा। मैं आ चुकी हूँ फ्रेश होके। अनाया हाय। हाँ जब अनाया भी आ गई है शावर लेके और अनाया बिजी हो गई है अपने टॉयज के संग। अनाया क्या खाओगे? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई खाओगे? बटरफ्लाई। अच्छा आप बटरफ्लाई खाओगे। क्या खाना है अभी? क्या खाओगे? खाना। खाना खाओगे या हलवा खाओ? हलवा खाना है। बना दूँ ना? वो अपने चश्मे में अभी बिजी है, अपना चश्मा दिखा रही है। तो चलिए बना देते हैं हलवा किचन में, क्योंकि उसके बाद मैं सो जाऊंगी, भयंकर नींद आती है मुझको। अरे हाउ इट वाज योर डे बेटा? गुड। इनके एग्जाम्स ओवर हो गए हैं। चलिए सूजी मैंने मंगा ली थी, चलिए किचन में चलते हैं बनाते हैं हलवा। बहुत तेज तनी दे है, देखिए तेज धूप है बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं करूँगी ये कि इनके जो ऑलमंड्स हैं अनाया नहीं खाती हैं, तो पहले मैं ग्राइंड कर लूँगी। अनाया को पता भी नहीं चलेगा, तो पहले पीस लेते हैं थोड़े से बादाम। कहाँ गया यार जार में? मैं ढूंढ रही थी जार और जार वहां जूठा पड़ा था। कोई बात नहीं, ग्रेट करके डाल दूंगी, थोड़ा बहुत तो खाएगी ही वो। इस बार ग्रेट करके ना पहले ही मैं डाल दूंगी, तो उसमें घी में थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे तो उसको पता कम चलेगा। होम मेड घी। बच्चों को खिलाने के लिए क्या क्या जुगाड़ करना पड़ता है, ये डाल दें वो डाल दें। ऐसा घी में सौते हो जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा, इसे कम पता चलेगा। इधर बादाम, ये बादाम हो गए हैं, डाल देते हैं रवा। इतना बहुत है, धीमी आज फिर रोस्ट कर लेंगे अच्छे से, हम बराबर चलाएंगे ताकि जले ना। बहुत ही अच्छे से भून चुका है हमारा रवा, डाल देते हैं पानी। डाल लेते हैं शुगर अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट। थोड़ा सा मैं इसमें गुड़ भी डालती हूँ, लेकिन अभी कौन निकाले, थकी हूँ थोड़ा सा ज्यादा। बस गर्मी बहुत है भाई, बहुत ज्यादा है। आपके जिले में क्या हाल है? मैं तो बहुत छोटी सी किचन है हमारी, बहुत छोटी सी, क्या अब चल ही नहीं पाता सारा कुछ, अभी जगह इतनी ज्यादा नहीं है।
बहुत छोटी सी किचन है, जैसे तैसे हम जो है बस खोल लाए। बहुत अच्छे से खोल आ गई है, थोड़ा सा ड्राई हमें पसंद है, ड्राई करते हैं। बहुत सिल्की सा हमारा हलवा बनके हो गया है रेडी। चलिए लगा लेते हैं प्लेट में, गर्मा गर्म। बन गया है हमारा हलवा, चलिए लेके चलते हैं रूम में। बाबा अभी हॉट है, अभी हॉट है, लेट इट कूल, लेट इट कूल, बस थोड़ा टाइम लगेगा। जो मैंने वो ले लीजिए आप, कौन सा लोगे? ओके अभी अभी ठंडा होने दे, ठीक है? इतनी गर्मी हो रखी है, पहले तो मैं पीऊंगी पानी। आपने पानी पिया बेटा आके स्कूल से? चलिए पहले आप सच में। आपके यहाँ क्या हाल है भाई? यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। उसके बाद मैं सो जाऊंगी, मुझे इतनी नींद आती है ना दोपहर में। हो गया पी लिया, कंट्रोल ही नहीं होता मेरे से। कूलर चलाएं बेटा, एक्चुअली ना टीवी देख रही है, फिर वॉइस उसमें कम आती है। मैं चलाऊंगी, मैं मुझे लग रही है गर्मी, थोड़ी सी हवा। हवा लग रही है बाबा आपको? हवा लग रही है? हाँ। मन करता है बस कूलर के सामने ही बैठे रहो। बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी। क्या खाना बड़ी में इनका दांत गिर रहा है, आराम से खाओ। बहुत इजी और स्वीट डिश में बहुत ही कम टाइम लेने चीज़ है हलवा। लगता तो मैं मीठा बहुत कम पसंद करती हूँ, ऐसे सूजी का हलवा खा लेती। अच्छा है ना, कौन सा दांत गिर रहा है? नीचे वाला पता, ये अपनी चीज़ें बताती है ना तो मुझे अपना बचपन याद आता है। मैंने चूल्हे दे दी किसी को अपना टेट, तो ज़्यादा भी था हिला दे देख रही, मैं चूल्हे दे दी तो ये स्ट्रांग है, टूट गया। आपके एज ग्रुप में ना बच्चों के यहाँ टूटते हैं ना, उनके एक फ्रेंड का स्कूल में दांत टूट गया। कौन सी हो तुम? मुझे ना लाइट ठीक करवाई थी, लाइट यहाँ की खराब है, कल तो बारिश होती रही शाम को, मैं सो भी जाती हूँ, लाइट तो रह गई। आप लोगों को शायद कम लाइट लग रही हो, मैं लाउड बोल रही हूँ कि कूलर चल रहा है, उसकी आवाज़ कम आती है, मुझे लाउड बोलना पड़ रहा है। चलिए हम इंजॉय करते हैं अपने हलवा के साथ, जैसा आया। तो अभी मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि हमने हलवा फिनिश कर लिया और आप आ रही, मुझे भयंकर नींद। मैं ना चाहूँ ना तो भी मैं सो ही जाती हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे नींद आती है। ये ना खेलती रहेगी, कहीं टीवी देखेगी, कहीं कुछ करेगी, मैं इसीलिए खिला पिला के इसको सुलाती हूँ ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद इनकी ट्यूशन मैम आएंगी ना, वो मुझे जगाती हैं, उनके सामने भी मैं सोती रहती हूँ, मुझे इतना नींद हावी होती है यार। तो पैर नहीं, सुबह हम लोग जल्दी उठते हैं ना। सो अभी हम ब्लॉग को यहीं पर एंड अप करते हैं। Thank you so much for